निज भ्राता रंजीत राज जी के माध्यम से जय हो। सर्वप्रथम महानगर लखनऊ करेटा की पावन पवित्र भूमि की रज को अपने मस्तक पर चंदन के समान अंकित करते हुए दूर दराज से आए हुए तमाम कीर्तन प्रेमी कीर्तन कलाकार सभी का हृदय से यथोचित अभिनंदन वंदन करते हुए नमन करते हुए जहां तक आवाज पहुंच रही है देवी स्वरूपा माता है, मैंने उनके चरणों में नमन करते हुए क्षेत्र में जितने भी स्थान हैं मंदिर हैं सभी देवी देवताओं को नमन करते हुए प्रणाम करते हुए इस समिति के जितने भी अधिकारी पदाधिकारी गण हैं सभी का हृदय से नमन करते हुए वंदन करते हुए नमन करते हुए परमादरणीय सम्मानित श्री जवाहरलाल कनौजिया जी का हृदय से नमन करते हुए आपके समस्त साथी भाइयों का हृदय से यथोचित अभिवादन करते हुए इस विशाल मंच तक पहुंचाने वाले परमादरणीय सम्मानी दादा श्री साहू जी जो कि निस्वार्थ भाव से कीर्तन का प्रचार प्रसार करते हैं, कलाकारों का प्रचार प्रसार करते हैं, मैं आपको भी हृदय से नमन करता हूं, वंदन करता हूं, नमन कर रहा हूं। हमारे छोटे भाई नीरज दीक्षित जी, आदरणीय भैया श्री राम विनोद वाजपेयी जी, संयुक्त परिवार के जितने भी भैया लोग पधारे हुए हैं सभी का हृदय से नमन है, आदरणीय गुप्ता जी और भी जितने भैया लोग पधारे हुए हैं सभी का हृदय से यथोचित अभिनंदन है, नमन है, नमन करता हूं। जो आप एक दो दिन बाद में ये लाइव कार्यक्रम देखेंगे, नमन है हमारे भाई श्री संजय राठौर जी जो कि फिरोजाबाद से चल करके हमारे छोटे से आग्रह पर आज हम लोग बीच में पधारे हुए हैं, आपका हृदय से नमन है। सहयोगी पार्टी के रूप में प्रयागराज से चलकर आए अनुज भ्राता छोटे भाई श्री रंजीत राज जी, आपका हृदय से स्वागत है, आपके कुशल सत्संग साथियों का भी हृदय से स्वागत है। कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है, संपूर्ण रात्र में जाने अनजाने हम बच्चों से किसी प्रकार की त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, उसके लिए आप क्षमा करेंगे, कोई अच्छाई मिलती है आप सभी का आशीर्वाद होगा। आइए कार्यक्रम का शुभारंभ है बहुत ही कम समय में, कानपुर की सबसे छोटी पार्टी रिंकी तिवारी इन पार्टी नवस्था कानपुर की ओर से। दूर दराज से हमारे जितने भी भैया दद्दा लोग पधारे हुए हैं सभी लोगों का हृदय से नंदन है, नमन है, बुजुर्गवारों के चरणों में प्रणाम है। संयुक्त परिवार एक परिवार, हम सबका परिवार, बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी भैया दद्दा लोग पधारे हुए हैं, जितने भी सहयोगी हैं, इस परिवार के सदस्य हैं, सभी लोगों का हृदय से भी नंदन है, नमन है, क्योंकि मैं खुद इसमें जुड़ी हुई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद है। जितने भी भैया दद्दा लोग हमारे बैठे हुए हैं सभी का हृदय से अभिनंदन नमन करते हुए, हालांकि नजर नहीं आ रही हैं, हमारी माताएं बहने घर से बैठकर इस कार्यक्रम का आनंद ले रही हैं। मैं चाहूंगी हो सके तो आप लोग भी अगर यहाँ पर आ जाए तो थोड़ी बैटरी आप लोगों को देख कर हमारी भी चार्ज हो जाएगी। बिल्कुल, अकेले हैं हम यहाँ पर, लेकिन अकेले नहीं हैं, सब हमारे भैया हैं, सभी हमारे हैं, अकेले नहीं हैं, लेकिन अगर हमारी माताओं का आगमन यहाँ पर हो जाएगा, बहनों का, तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी, आप आएंगी आपकी व्यवस्था बना दी जाएगी, निवेदन है, क्योंकि आपका कार्यक्रम है, आप लोगों को सजाना है। सहयोगी के रूप में आज की रात्रि हम लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे। संगम नगरी से पधारे हमारे भैया श्री रणजीत राज जी, आपका भी हृदय से अभिनंदन है, नमन है, आप हमारे ग्राम में आए हैं, हम तो कानपुर के हैं, पड़ोस का ही मामला है, क्योंकि अतिथि देवो भव, बिल्कुल हम लोगों के संस्कार हैं, इसलिए आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है, क्या बात है। ये हमारे नीरज भैया बहुत ही अच्छे हैं व्यक्तित्व के भी, आपकी ओर से हमारे पार्टी के संचालक आदरणीय परवाना जी का स्वागत हुआ है। अब हमारा तिलक है, बहुत बहुत धन्यवाद है, माला तो एक ही बार पड़ती है वैसे, नहीं देवर ठीक है, कलयुग वाले देवर मत बनिएगा। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद है, ये हमारे भैया जी की ओर से एक पुष्पमाल और 101 रुपए पुरस्कार में, और हमारे पूरे मंडल के लिए आपने 100-100 रुपए दिए हैं। मैं सामंडल जय जय जी जी ये बात भी।
जैसे कि हमारे हरजीत भैया जी ने बताया, 10 जनवरी को जो दुखद घटना हुई है ना कोई भूल पाया है और ना कभी कोई भूल पाएगा। बिल्कुल। एक घटना 14 फरवरी को घटी पुलवामा में और दूसरी घटना हुई है ये 10 जनवरी को महोबा में, जो कोई नहीं भूल सकता। हमारे कीर्तन जगत में लोग जिनको बाली कहते थे भैया जी, जिनको लोग बाली कहते थे, बहुआ पाड़े, बहुत ही अच्छे नाल वादक, हालांकि शरीर से नहीं है, लेकिन जहां पर कीर्तन होगा वहां पर वो किसी न किसी रूप में जरूर होंगे। हमारे आदरणीय पप्पू भैया, आदरणीय जयगुरन भैया जी नहीं रहे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, बस मैं यही कहूंगी। बाकी तो आप लोग सब लोग जानते हैं वो क्या थे। और आदरणीय हमारी बुआ जी क्रांतिमाला जी, हालांकि सुनने को मिला है कि वो स्वस्थ हैं, फूफा जी भी स्वस्थ हैं, संजय भी हमारे करीब हैं उनके, सब लोग स्वस्थ हैं। बस यही कामना है, जिनका बिगड़ गया है उनको सुधारा तो नहीं जा सकता, लेकिन जो बिगड़े हुए हैं ईश्वर उनको बहुत जल्दी ठीक करें, फिर से कीर्तन जगत में एक बार हाहाकार मचा दें। हमारी बुआ जी जो थी वो फिर से हो जाएं, बस यही माता रानी से प्रार्थना है, ईश्वर ये दिन किसी के सामने ना लाए। बस बहुत बहुत धन्यवाद है। आप हैं भैया श्री, हादसा हुआ है, हम लोगों ने कार्यक्रम नहीं लिए, उसके बाद ये पहला कार्यक्रम है। और मैं बता दूं, जो हमारे साथ ढोलक पर संगत कर रहे हैं हमारे शमरजीत भैया जी, उन्होंने 16 तारीख को ही बुआ पाड़े को अपना गुरु बनाया था, 14 तारीख को, 14 दिसंबर को उनको गुरु बनाया था हमारे बुआ पांडे भैया जी ने। हालांकि उनका भी दुर्भाग्य रहा कि कुछ सीखने को नहीं मिला, लेकिन आशीर्वाद रहता है गुरुओं का हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए चलते हैं, बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम आप लोग सुनेंगे पूरी रात्रि के लिए। बिल्कुल। जितने भी लोग आए हैं सभी का हृदय से अभिनंदन है, नमन है। गोल्ड स्टूडियो जो कि आप यूट्यूब द्वारा उनको भी देखते हैं सुनते हैं, ये हम बच्चों को पहली बार अवसर मिल रहा है उनके समक्ष कार्यक्रम देने का। और हमारे परिवार के हैं, इनको मैं कलाकार नहीं कहती हूँ, प्रचारक भी नहीं कहती हूँ, क्योंकि हमारे परिवार के सदस्य हैं। बिल्कुल। कशिश राठौर यानी केएस म्यूजिक वीडियो, हमारे संजय राठौर भैया, आपका भी हृदय से अभिनंदन है, नमन है, क्योंकि मैंने आपको बुलाया है, ये दूसरे का कार्यक्रम नहीं है और आप भी दूसरे नहीं है, आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं चाहूंगी हमारे संजय भैया के लिए एक बार आप लोग जोरदार तालियां बजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। चलते हैं, जैसा कि नियम है, एक सरस्वती पुत्री होने के नाते एक छोटी सी वंदना, और उसके बाद आदरणीय हमारे रंजीत भैया की ओर से बड़ा ही सुंदर सा गीत आया है, हालांकि इसको प्रश्नवाचक गीत नहीं कहेंगे, 26 जनवरी शुरुआत की है आपने, तो बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटी ही होगी कि उसको जवाब मैं दे दूं। बिल्कुल बिल्कुल। आई चलते हैं, छोटा सा वंदन लेके उसके बाद आगे का कार्यक्रम। शाबाश। आए हो माँ के दर पर तो कुछ मांग लो। हाँ। अरे ये दामन मुरादों से भर जाएगा। कल वो सुहाना मंदिर रहे न रहे। हाँ। अरे हाथ फैलाने तो किसके दर जाएगा। सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं। हाँ। इस जमाने में। हाँ। सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं।
और काम के लोग भी चंद मिलते हैं। जब मुसीबत का वक्त आता है तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और जब दरवाजे बंद मिलते हैं तो ऐसे दरवाजों पर नहीं जाना चाहिए। जाए कहा, दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। आइए, भक्त माता रानी के दरबार में जाता है और किसी भी मंदिर में आप जाएं, वहां पर माता भी मिलेंगी और पिता भी मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा मानना है अगर हमारे जीवन में माँ है तो पिता भी बहुत कुछ है। तो आइए, भक्त अनन्य प्रकार की इच्छाओं को लेकर दरबार में पहुंचा तो पूजन किया तो सभी देवताओं से, देवियों से कहने लगा कि मैंने सुना है मैया मैया। और जब मनाता है तो सभी को मना रहा है और किस किस को मना रहा है सुनिएगा। अरे दे दे थोड़ी ममता 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 मैया, थोड़ी ममता ममता अरे ममता मई। विषमताओं में तू, विषमताओं में तू क्षमता मई। क्योंकि सब कुछ तो आप ही हैं। ये तो तेरे सिवा मेरा कहीं ना ठिकाना, मार दे ना मुझे भूल क्योंकि कहते हैं ए मां आपके दरबार में हम बच्चे आए तो हैं। और ये आदरणीय भैया श्री कुलदीप कुमार पांडे भैया फौजी जी, शिष्य स्वर्गीय श्री श्याम तूफानी जी प्रयागराज, श्री महेंद्रनाथ शुक्ला जी, श्री नीरज दीक्षित भैया, श्री राम विनोद वाजपेयी भैया, श्री संतोष मिश्रा भैया, श्री अशोक गुप्ता भैया, श्री मनोहर आजाद जी एवं संयुक्त परिवार एक परिवार, सभी भैया लोगों की ओर से ये 251 रुपए का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब देखिए, कह दिया कि तेरे शिवा मैया कहीं ना ठिकाना, तो भक्त खाना का कुछ समस्या आ रही है। मैंने सोचा समस्या क्या, क्योंकि मैंने कहा कि जब मंदिर में पहुंचा तो ब्रह्मा विष्णु महेश सभी लोग एकत्रित थे। तो वो भक्त कहने लगा माँ माँ ब्रह्मा विष्णु शंकर मोहन राम की, अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर मोहन राम की, ना करूं मैं हर पल ना करूं मैं मेरी माँ, ना करूं मैं हर पल वंदना करूं मैं हर पल तेरे नाम की माँ शारदे, भक्त कहता है माँ अरे अनुपम आवाहन डरना
अरे अनुपम आवाहन सुनता, अनुपम आवाहन सुनता, हंस को मंदिर में आता, मन मंदिर में आता तो बजा तो बजा। शबारती हूँ मैं पूजा निशी, क्योंकि सरस्वती पुत्री हूँ इसलिए करती हूँ मैं पूजा निशि, करती हूँ मैं पूजा मेरी मेरी माँ। अरे करती हूँ मैं, करती हूँ मैं पूजा निशि तेरे नाम की, वंदना करूँ मैं हर पल, वंदना करूँ मैं हर पल तेरे नाम के माँ। अगर आप हैं, हाँ बिल्कुल हैं, बहुत बढ़िया, तो हम हैं और हम हैं आप हैं, आप हैं तो हम हैं। ये माँ से कहना है कि माँ, हाँ फिर कौन सा गम है, काव्य कला की मेरे माँ। बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल, क्योंकि भैया शूर में सिंधु जैसा जोश कहाँ होता है। दिमाग दिमाग अगर उलझन में हो तो ये दिल खामोश कहाँ होता है। प्यार देने को तो देते हैं ये जमाने वाले, लेकिन जब तक माँ ना दे प्यार तो संतोष कहाँ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। कहना है अरे काव्य कला की मेरे, काव्य कला की मेरे, तुम कल्पना सातेश्वरों की मैया। आजकल कलाकार जब तक सारे गामा पादा निशा ना गाले कलाकार पूर्ण नहीं माना जाता। बिल्कुल, लेकिन मेरा मानना है जवाबी में सारे गामा पादा निशा की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये कीर्तन है। अगर सारे गामा पादा निशा सुनना है तो अनूप जलोटा जी को बुला लिया जाए। भैया तो रिंकी तिवारी को कौन सुनेगा, ये राठौर साहब सब जान रहे हैं, रणजीत भैया को कौन सुनेगा, क्योंकि मैं अपनी बात करती हूँ मुझे सरगम का ज्ञान नहीं है, नहीं है, क्योंकि सरस्वती मंच है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मुझे नहीं है, इसलिए माँ मैं आपकी शरण में आई हूँ कि उन कलाकारों की चरणों की थोड़ी सी धूल बना दीजिए, सारे गामा पादा निशा सिखा दीजिए, ना दिन दिन ना इसको भी सिखा दीजिए। इसलिए कहना है अरे सातेश्वरों की मैया, सातेश्वरों की मैया, तुम्हें अल्पना शरीर में आपका नाम नहीं है, हाँ। तो ये मानव रूपी शरीर बेकार है। जिंदगी ये तेरे बिन किस काम की, ना करूं मैं हर पल,
माँ शारदे बोलिए सरस्वती मैया की जय, बोलिए दुर्गे मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुजनों की जय। ये 151 रुपए का आशीर्वाद संयुक्त परिवार एक परिवार के सभी भैया लोगों की ओर से ये 101 रुपए का आशीर्वाद आया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हेलो हेलो हेलो, और ये बहुमूल आशीर्वाद आदरणीय श्रीमानी हमारे भैया श्री गणेश कनौजिया भैया जी सभासद जी आपकी ओर से ये 501 रुपए का आशीर्वाद आया है। एक बार हमारे गणेश भैया जी के लिए यानी सभासद जी के लिए जोरदार